न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र कांग्रेस की सियासत का केंद्र बना है जयपुर और महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो चल रही थी वो समाप्त हो गई है। बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। सोनिया गांधी पर अंतिम फैसला छोड़ा गया है और विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार सौंपा है हाईकमान को। महाराष्ट्र सरकार बनाने से जुड़ा फैसला भी हाईकमान पर ही छोड़ा गया है और अधिकांश विधायकों की राय विपक्ष में बैठना हमारे लिए ज्यादा सही। शिवसेना के साथ जाने पर बैठक में नहीं बन पाई कोई सहमति क्योंकि ये फैसला अब आलाकमान को ही करना है। एनसीपी के साथ गठबंधन रहेगा बरकरार। आगे का फैसला 10 जनपद जो भी करेगा वो मान्य होगा। तो अधिकांश विधायकों की राय कि विपक्ष में बैठना हमारे लिए ज्यादा सही होगा लेकिन आखिरी फैसला आलाकमान पर छोड़ा गया है और माना जा रहा है कि शाम तक जो धुंधली तस्वीर है वो भी साफ हो सकती है क्योंकि विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा और वो नाम कौन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक जयपुर जो है वो महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र बना हुआ है क्योंकि ये तमाम विधायक एक रिसोर्ट में मौजूद हैं और पिछले 2 दिन से वो यहीं पर डटे हुए हैं। आज बताया जा रहा था कि कई विधायक जो हैं सैर सपाटे के लिए भी जाएंगे और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। योगेश, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे की बाइक हुई थी और ऐश्वर्या वहाँ मौजूद है हमारे रिपोर्टर। जैसा उन्होंने बताया ऐश्वर्या ने कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सोनिया गांधी को लेकर अब अंतिम फैसला करना है। सोनिया गांधी की तय करेगी कि पूरे महाराष्ट्र कांग्रेस की कर्ता कौन होगा, किस तरह से जो महाराष्ट्र की शिवसेना के साथ गठबंधन की और क्या मार्च में कांग्रेस पार्टी वहां शामिल होगी शिवसेना के साथ, इस तरह की बात है। और जैसा हमने पहले संकेत दिए थे कि जो विधायक दल की बैठक हुई उस बैठक में 3 तरह की बातें सामने आई। एक बात आई कि विपक्ष में बैठे रहना, कुछ विधायकों ने कहा सरकार में शामिल होना चाहिए, कुछ विधायकों ने कहा कि हमें सरकार का बाहर से समर्थन करना चाहिए। तो इस तरह की एक राय पूरी तरह सामने नहीं आई। तो जो खासतौर से जो कहा जा सकता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग से ताल्लुक रखते हैं जो विधायक वो सेना के साथ मायूसी में। चलिए, शुक्रिया आपका योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और जयपुर